नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देर रात की एक बड़ी खबर के साथ। वसुंधरा राजे सिंधिया अमित शाह और जेपी नड्डा से मिली, आधी रात के करीब अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा से मिली राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। लोकसभा सीट के हिसाब से उन्होंने हार जीत का हिसाब दिया, अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं। मुलाकात के बाद लौटने पर हाथ में उनके कुछ कागज भी दिखाई दिए। अपने ऊपर लग रहे आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया। बागी उम्मीदवारों के पीछे आ रहे अपने नाम को लेकर भी उन्होंने तथ्यपरक बात रखी है इन मुलाकातों में। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर भाजपा क्यों हारी और क्यों जीती, इसका हिसाब भी वो लेकर पहुंची थी। किस नेता ने किसकी पैरवी कर टिकट दिलवाया और वो क्यों हारा, इसका भी पूरा लेखा जोखा उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा। फिलहाल मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात जेपी नड्डा से हुई मुलाकात में साफ नहीं हो सका है, लेकिन जेपी नड्डा ने सरकार गठन पर उनकी राय अवश्य मांगी है। तो देर रात उनकी ये मुलाकातें हुई। बीजेपी के पावर सेंटर में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में दिन भर नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजे आने के बाद अभी मुख्यमंत्रियों पर बड़ा फैसला होने वाला है। भेंट मुलाकात और बैठकों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सारे नेता अपना अपना समीकरण साधने में जुटे रहे, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं होने वाला, बल्कि बीजेपी के 3 दिग्गजों के भविष्य का फैसला भी होने वाला है। ऐसे में सवाल है कि इन नेताओं में किसकी किस्मत उनका साथ देगी और किसको दगा देगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने से पहले जमावड़ा लगा हुआ है पावर सेंटर में। सूबे की सत्ता की अट्टालिका पर बैठने के लिए तमाम नेता आखिरी जोर लगा रहे हैं, इस दरबार से उस दरबार तक दौड़ लगा रहे हैं और इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भेंट मुलाकात कर रहे हैं। तय हो जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की किस्मत में क्या है, शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करने वाले, राजनीति में रमन सिंह का भविष्य क्या है। सूत्र बताते हैं कि फैसला हो चुका है, पीएम मोदी अपना मन बना चुके हैं, बस आखिरी मुहर लगने भर का इंतजार है। इसके लिए पर्यवेक्षक की टीम तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हम लोग जो भी निर्णय करते हैं एक दूसरे से पूछ कर, एक दूसरे से बात करके, राज्य वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। कब इसकी कोई तैयारी, विधायक दल की बैठक की तारीख वगैरह दी गई है कुछ? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है। ऐसे में तमाम दिग्गज आखिरी वक्त में भी अपना अपना सियासी समीकरण साधने में जुटे। वसुंधरा राजे सिंधिया 6 दिसंबर की आधी रात से दिल्ली में डटी हुई है। लंबे इंतजार के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो पाई है, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई ये ना तो वसुंधरा ने बताया और ना ही पार्टी की ओर से कुछ कहा गया। लेकिन राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बस शिष्टाचार मुलाकात है। ये वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं, तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृहमंत्री जी से मुलाकात की। मगर राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मरुधरा में सत्ता के लिए महाभारत के बीच वसुंधरा के दिल्ली आने के मतलब क्या है, वो भी तब जबकि जयपुर में बैठकर डिनर डिप्लोमेसी करके महत्वाकांक्षी संकेत दे चुकी है। दिल्ली में उनके समर्थक महारानी की महत्वाकांक्षा को आकार दे रहे हैं। राजस्थान में मैडम को इग्नोर नहीं किया सकता, आप देख सकते हैं राजस्थान में बीजेपी के अंदर कोई और दमदार चेहरा है नहीं, वसुंधरा राजे के अलावा और कोई है नहीं। समर्थक जब वसुंधरा के मन के बात को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे, कमोबेश उसी वक्त वो नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के सामने दंडवत सी थी। उन्होंने ट्वीट कर मोदी की गारंटी का बखान किया। बड़ी बात यह है कि मोदी का स्वागत सुबह में हुआ था, जबकि वसुंधरा ने ट्वीट शाम में किया। तब तक लाख कोशिशों के बावजूद जेपी नड्डा से वसुंधरा की मुलाकात नहीं हो पाई। जब वसुंधरा राजे दिल्ली दरबार में पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के लिए मशक्कत कर रही थी, उसी वक्त राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदार पावर सेंटर में ही मौजूद थे। गजेंद्र शेखावत, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ।
बाबा बालकनाथ ने बाकायदा अमित शाह से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वसुंधरा से मुलाकात को लगातार टालते रहे, वो मध्य प्रदेश के राघवगढ़ से विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से मिले। ये मुलाकात तब हुई है जबकि एमपी के मुख्यमंत्री को लेकर भी अब तक ऐलान नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर मध्य प्रदेश के सीएम पद के तमाम दावेदार दिल्ली में। आपकी मुलाकात हुई किसी नेता से, अमित शाह जी से या फिर नड्डा जी से? नहीं, मेरी तो सबसे मुलाकात हुई है, पर हमने इस विषय में कोई बात नहीं की। और हम जब भी, हमारे यहाँ इतना प्रोटोकॉल तो है कि जब वो पूछते हैं तब हम बताते हैं, हमारी तरफ से कुछ जाके बोलते नहीं, इसलिए उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। ये प्रश्न अगर काल्पनिक है तो स्थिति वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। जब दिल्ली में बैठकर तमाम नेता समीकरण बना रहे हैं, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा में आदिवासी के घर भोजन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अगले चुनाव की तैयारी में जुटे। हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29, मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जब पार्टी के पर्यवेक्षक भोपाल में होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब भी शिवराज सिंह चौहान राघोगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये बेफिक्री तब है जबकि सीएम पद के लिए शिवराज सिंह के लिए बड़ी चुनौती है प्रहलाद पटेल, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था, इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर मौन सिर्फ शिवराज ही नहीं है, रमन सिंह भी मोदी का नाम लेकर चुप्पी साधे, जबकि छत्तीसगढ़ के दूसरे नेता दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर दौड़ लगा रहे थे। मुख्यमंत्री पद की रेस में खड़ी रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, चेहरा खिलखिला रहा था। माना जा रहा है कि अब वो दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और मजबूत करेंगे। पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। एक लाइन में कह रही हूं कि मैं वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलती हूं, जब जब उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। आलाकमान का नाम लेकर जो दौड़ भाग हो रही है उससे संकेत बहुत कुछ मिल रहे हैं। रात भर की बात है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा क्योंकि फैसला हो चुका है। राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है तो उधर मध्य प्रदेश को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। सीएम शिवराज बेफिक्र हैं तो बाकी दावेदार दिल्ली में मौजूद हैं। देखिए एमपी में सीएम की रेस में कौन आगे है और कौन पीछे। एमपी में नए सीएम पर सस्पेंस के बीच मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन 24 पर जुट गए हैं। मामा शिवराज कल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, लाडली कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। एमपी में भले ही फिलहाल सीएम की कुर्सी का सवाल सबसे बड़ा हो, लेकिन इन सवालों से दूर शिवराज ने फिलहाल अपने लिए मिशन 24 की लकीर खींच दी है, जिसमें एमपी की 29 में से 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। बीजेपी का आला कमान जिस वक्त एमपी में सीएम चेहरे पर मंथन करेगा, उस वक्त सवाल आगामी लोकसभा चुनाव का भी होगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के इसी सवाल को आसान बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद भी जमीन पर नजर आ रहे हैं। जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा पहुंचने के मायने समझिए। 2019 में बीजेपी एमपी की 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुल नाथ को जीत मिली थी। प्रचंड जीत के बावजूद इस बार छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली।
कमजोर किले को मजबूत करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान आला कमान के सामने अपना सीप मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी दौर से लेकर मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा में कमल नहीं खिल पाया। बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। जिन सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है, उनमें से विधानसभा चुनाव जीत कर आने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी चुनौती है प्रहलाद पटेल, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सियासी कद से लेकर जातीय समीकरण तक प्रहलाद पटेल की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं, जो MP की 40% OBC समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। 5 बार वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। प्रहलाद पटेल के गृह जिले से बीजेपी इस बार 4 सीट जीती है। सीएम पद की रेस में एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हैं। उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नरेंद्र तोमर राज्य से लेकर केंद्र और संगठन की राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। नरेंद्र तोमर के इलाके चंबल रीजन में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। चंबल से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सरप्राइज कर सकते हैं, हालांकि वो अब तक खुद को सीएम की रेस से बाहर बताते रहे हैं। जेपी नड्डा से उनकी संभावित मुलाकात ने सस्पेंस बढ़ा रखा है। मध्य प्रदेश ने कमलनाथ की बजाय कमल पर भरोसा जताया है, लेकिन अब MP में कमल किस पर दांव लगाता है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक इंतजार इसी बात का है।